तो यहाँ पे अपना चेकिंग होगा। सर ग्रीन टैक्स वो तो मुझे करा नहीं मैंने सर। म्यूजिक तो ये है अपना रूम पूरा बिखरा बिखरा और ये है भैया नज़ारे। तो चलो भाई लोग निकलते हैं। तो ये है अपना कमलेश भाई जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प किया, थैंक्स। तो ये अपना बुल्टू हो चुका है पूरा लोड और हम लोग अभी निकलने वाले हैं। तो ठंड से बचने के लिए भाई लोग आप लोग जितना हो सके मुमकिन कोशिश करो क्योंकि आगे जाके माइनस वाली सर्दी मिल सकती है आप लोगों को। और मैंने जितना सुना है मैं अक्टूबर की सीज़न में आया हुआ हूँ तो आगे चल के कुछ -7, -8, -9 ऐसा सुनने में आ रहा है मिलेगा मुझे। तो चलो निकलते हैं। तो ये है मॉल रोड जो मनाली का मार्केट, यहाँ पे आपको अम्बुजा वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। रोहतांग पास यहाँ से बस 50 किलोमीटर भाई साहब। तो बुलेट भूषण की तरफ से ब्यास नदी को बहुत सारा नमन और सामने वो रहा हमारा मंजिल। और यहाँ पे मनाली में मैंने टैंकी फुल कर लिया। तो अगला जो स्टॉप है वो है अपना तांडी जहाँ पे मैं जेरिकन वगैरह भी फुल कर लूँगा। तो चलो भाई लोग निकलते हैं। अब पूरा चढ़ते हुए जाना है, वो रहा मनाली और हमारा चढ़ाई अभी शुरू हो चुका है। और भाई लोग थोड़ी देर पहले मेरा गोप्रो हो चुका था बंद और मैं एक ही गोप्रो कैरी कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा डर गया था। बहुत ज़्यादा ड्राई और ठंड वाला हवाएं चल रही है, इसका भी असर हो सकता है, क्या पता इसके सॉफ्टवेयर में कुछ लोचा ना हो भाई लोग। यू आर अप्रोचिंग द लॉन्गेस्ट हाईवे टनल ऑफ द वर्ल्ड, 10,000 फीट भाई साहब। और भाई लोग हम पहुंच चुके हैं अटल टनल 10,040 फीट पे। ये हम प्रवेश कर चुके हैं अटल टनल में भाई साहब, ऐसे टनल में ना हमेशा डीपर से ही जाए, ठीक है। जो आपकी अपर है उसको यूज मत करो। सामने वाला जो गाड़ी रहेगा, बाइक रहेगा, कुछ भी रहेगा उसकी ग्लास पे जाएगा, ठीक है, उसको थोड़ा सा इरिटेशन होगा, ठीक है। और ऐसे टनल पे अब बिल्कुल भी नहीं चाहोगे कि कोई भी हादसा हो। करीब हो चुका है 10-15 मिनट और हर एक जो गाड़ी थी पता नहीं मुझे क्यों साइड दे दिया, शायद ज़्यादा बहुत ज़्यादा फॉग है इसके लिए। बहुत ही लंबा है भाई लोग, बहुत ही लंबा। सामने थोड़ा बहुत फॉग हो रहा है, मैंने अपने हेलमेट पे एंटी फॉग कोटिंग करवा रखा है, कोई दिक्कत हो नहीं रही है मुझे। और शायद अभी हम लोग निकलेंगे। हाँ
तो भाई लोग करीब 15 से 20 मिनट का ये था अटल टनल। और यहाँ पे शायद कुछ चेकिंग वगैरह होगा। ले लदा, ठीक है, थैंक यू सर। तो यहाँ पे कोई चेकिंग वगैरह कुछ नहीं हुआ। अटल टनल से निकलते ही नज़ारे कुछ ऐसे हैं भाई लोग। भाई लोग, बचपन की ख्वाहिश भाई, बचपन से ये ख्वाहिश थी। अरे भाई साहब, हर हर हिमालय, हर हर हिमालय। तो यहाँ पे अपना चेकिंग होगा। सर सर ग्रीन टैक्स वो तो मुझे करा नहीं मैंने सर। अच्छा यहाँ से करना है। अच्छा अच्छा मैं डर गया सर, डर गया, कोई बताया नहीं उधर कोई टैक्स होता है। ठीक है सर, कर दीजिए। TR02। हाँ क्या है ये? अरे गिड़ मत जाना। ग्रीन पास, तो ये है अपना ग्रीन पास, जो कि मैं सोचा कि यहाँ पे दिखाना पड़ता है, एक्चुअली यहाँ से एक्चुअली लेना पड़ता है। तो मैं डर गया था क्योंकि मेरे को किसी ने बताया नहीं कि यहाँ पे ग्रीन पास वगैरह कुछ है। तो मैं इसलिए थोड़ा सा डर गया था क्योंकि यहाँ पे ऐसा है ना, कोई पासेस वगैरह नहीं लोगे तो आपको घुसने नहीं देगा, फिर आपको जाके वो उधर से जहाँ से बनता है ना, जैसे कि मनाली में बनता है पास है ना, वहाँ पे जाके बना के फिर से लाना पड़ेगा। तो एक्चुअली क्या है, ये ग्रीन पास जो है यहाँ पे तुरंत मिल जाता है, यहाँ पे ही मिलेगा। तो ग्रीन पास बोला तो मैंने सोचा कि ग्रीन पास दिखाओ। एक्चुअली यहाँ पे था वो बनाना। अरे यार, इतने खूबसूरत वादियों में ऐसे ऐसे रोड मिल जाते हैं ना। अरे यार, तो भाई लोग, अपना भाई हिमालय के और करीब जाता हुआ, हालांकि हिमालय में हूँ भाई। और भाई लोग, शुरू हो गया अपना खतरनाक वाला सफर। खुश हो रहा था ना बुलेट विजन। अब लो तो भाई लोग, अभी हम लोग पहुंच गए हैं शिशु। शिशु में आप स्टे कर सकते हो, लेकिन मैं रुकूंगा शायद जिस पॉप पे, या फिर अगर जल्दी पहुंच गया तो और आगे निकल जाऊंगा मैं। ले तक का सफर मैं जितना मैंने सोचा है रुक रुक के करूँगा। ऐसा नहीं कि मतलब पूरा प्रेशर डाल के एक ही दिन में कर लेना है, जैसे कि मतलब 550-600 किलोमीटर कर रहा था, ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। आराम से देख सुन के आराम से पहुँचूँगा ले। और भाई लोग, ये है ले और तांडी के बीच में आखिरी पेट्रोल पंप। तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा पेट्रोल जो है उसको कर लेना है फिल, और बीच में कहीं भी आपको पेट्रोल मिलने वाला है नहीं। और ये अपनी जेरिकन भी हो चुका है फिल। टांडी में आपको कैसे भी करके आपको टैंक फुल करना है और जेरिकन में भर लेना है, नहीं तो आगे आपको कहीं भी पेट्रोल नहीं मिलने वाली है। तो ये बात बहुत ध्यान से
याद रखे, ऐसे रास्तों में रास्ता तो बहुत सही है लेकिन ये जो पत्थर पड़े हुए हैं ना कभी कभी लैंडस्लाइड होता है, ठीक है, कभी कभी नहीं हर दिन लैंडस्लाइड ज़रूर होता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान में रखो कि ओवर स्पीड नहीं करने का, ठीक है। कोई भी पत्थर वगैरह आया ना, अगर ज़्यादा स्पीड में हुआ और पत्थर के ऊपर से निकला तो भाई उधर उधर भाई उधर, समझ रहे हो ना, उधर सीधा जाओगे उधर। तो भाई ओवर स्पीड बिल्कुल मत करना, कभी कभी खराब रास्ते आ रहे हैं, बरसात के सीजन में तो ये पता नहीं है कितना खतरनाक होता होगा। अरे बाप रे, चलो ये मिला सही रास्ता, चलो मिल गया। भाई लोग राइट साइड में देख रहे हो। हवा जो आ रही है ना बहुत ही ज्यादा ड्राई है भाई लोग, बहुत ही ज्यादा ड्राई और बहुत तेज हवा बहती है इधर। केलांग यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर है। मैं सोच रहा हूँ जिसपा रुकूं या फिर दारचा निकल जाऊं, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। लेकिन एक चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों, क्या होता है ना 3 के बाद है ना ये तो बहुत तेज़ी से टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ठीक है। तो इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखो कि कहाँ पे तुमको रुकना है, कहाँ पे तुमको मिल सकता है। हालांकि जिस पर पे मुझे मिलेगा ये मुझे पता है, उसके आगे कहाँ पे मिलेगा ये मेरे को सही से कोई नहीं बता पाया, क्योंकि विंटर सीज़न शुरू हो चुका है और विंटर सीज़न में वो लोग अपना टेंट छोड़ के, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंड रहता है ना, तो वो लोग अपना टेंट वेंट सब कुछ होटल वोटल सब कुछ छोड़ के, ठीक है, शहर की तरफ आ जाते हैं वो लोग। बहुत ही ज़्यादा ठंड मिलने वाली है 3 बजे के बाद। तो मैं अभी तक तय नहीं कर पाया कि कहाँ मुझे रुकना है। जितना मैंने सोच के रखा है मैं जिस पर ही शायद रुक जाऊँगा। और भाई लोग ये हम पहुँच गए हैं जिस्पा। तो भाई लोग सर्दी की वजह से होटल्स हो चुके हैं बंद, तो आप लोग आ रहे हो ना अच्छे से पता करके आओ कि होटल्स वगैरह है कि नहीं है। अगर होटल्स ना हुए ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को, कोई भी नहीं है, पता नहीं कहाँ है सब। तो यहाँ पे और एक तो उधर पीछे मैंने देखा था और कुछ होटल्स, देख लेते हैं उधर भी। तो भाई लोग रूम मिला इधर थोतांग हाउस। तो भाई लोग ये है अपना छोटा मोटा सा रूम और सारा सामान को करते हैं अभी अनलोड। और ये है जी व्यू। अरे भाई लोग इधर का व्यू देख लो, तो
चलो भाई लोग यहाँ पे करते हैं वीडियो को ख़त्म, और यहाँ तक अगर आपको कुछ अच्छा लग जाए तो कर देना सब्सक्राइब, शेयर कर लेना, और ठोक देना लाइक भाई लोग, ठोक देना एकदम पूरा अच्छे से ठोक देना लाइक। तो चलो मिलते हैं, सब बहुत अच्छे से रहना, खुशी से रहना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।